नमस्कार दोस्तों, नीट 2021 को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है कि छात्रों की मांग को देखते हुए कि छात्रों की मांग थी कि नीट 2021 का डेट आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन एनटीए ने बहुत बड़ी खबर दी है और यह बच्चे क्यों मांग कर रहे थे कि नीट 2021 की डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा जो है वह 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा बायोलॉजी की 6 सितंबर को है और फिजिक्स की 9 सितंबर को है और 12 सितंबर को नीट 2021 का डेट घोषित किया गया है परीक्षा के लिए, जिस दिन रविवार है। तो वो छात्र यह चाहते थे कि अभी कुछ पीछे कर दिया जाए नीट का डेट, लेकिन एनटीए ने बहुत बड़ी खबर दी है कि नीट 2021 के डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो एनटीए की डीजी विनीत जोशी जी ने इंडिया टुडे से कहा कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और अपने तय डेट पर ही आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड के साथ नीट का कोई सीधा क्लैश नहीं है, यह 12 सितंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा में अटेम्प्ट बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा, अभी तक परीक्षा के अटेम्प्ट बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। छात्रों का एक वर्ग नीट 2021 को स्थगित करने की मांग कर रहा था, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा अन्य प्रवेश परीक्षाओं के साथ क्लैश हो रही थी। सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों की 6 सितंबर को जीव विज्ञान की परीक्षा होगी, 9 सितंबर को भौतिक विज्ञान की परीक्षा होगी, जबकि नीट की परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित होनी है। इसके अलावा APEAMCET प्रवेश परीक्षा 3, 6 और 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि ICAR परीक्षा 7 से 9 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। नीट 2021 को स्थगित नहीं किया जाएगा, एनटीए ने इसकी पुष्ट कर दी है। एनटीए माने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट की परीक्षा को कराता है और नीट परीक्षा के द्वारा ही पूरे भारत में जितने मेडिकल कोर्सेस हैं उसमें प्रवेश होता है।